एक नहीं कर सकते जिनकी ज़्यादा रीच हो सकती है, जो जिस फील्ड में ज़्यादा समय देता है वो ऑब्वियसली उनको सफलता ज़्यादा मिलेगा। तो जिन्होंने ज़्यादा समय दिया एज कम्पेयर टू मी और किसी से भी कंपेरिजर करें, तो उन्होंने ज़्यादा समय दिया इस फील्ड में, चाहे आप यूट्यूब का कहें या फिर सोशल मीडिया कहें या फिर कहीं भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस कर पाए हैं आप लोग को, तो जो कि अच्छी बात है। वो अपने एंड से आओ, मेरे पास जितना समय होता है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग को क्या बेनिफिट होगा हम उसके बारे में जानते हैं। रिजल्ट से पहले डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से कितना बेनिफिट होगा ऑलरेडी मैंने आपको आपको 3-4 दिनों से मैंने बोल रहा है। TRE 1 TRE 2 में भी आपने देखा होगा, मैं उसके लिए रिगार्डिंग मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को। चलिए एक एक चीज़ को हम इसको नस्तनाबूद करते हैं, एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट में बेनिफिट आप लोग को कितना होगा। TRE 1 में भी हम बताए थे, लेकिन लोगों तक को और सरकार तक, BPSC तक, विभाग तक आप पहुँचाइए, आपका काम है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट आप लोग का काम है, हमारी काम है आप आज उठाना, और आप लोग का है BPSC अधिकारी वहाँ तक आप अपनी बातों को पहुँचाइए किसी भी माध्यम से, चाहे एक्स का माध्यम लीजिए जो कि अब ट्विटर है, ट्विटर का पुराना नाम अब एक्स, एक्स के माध्यम लीजिए, ट्वीट कीजिए, ट्रेंडिंग में लाइए, या फिर आप BPSC जो पटना के नियर बाई है, जो कई लोग हैं छात्र नेता बनते हैं, कई लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई टीचर्स हैं जो कि पटना में, दिल्ली में और बड़े इन्फ्लुएंस कर पाते हैं आप लोगों को, उन लोगों को भी रीच कीजिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की आप डिमांड कीजिए उनसे, इससे बेनिफिट होगा। जैसे आप मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल ए ले लीजिए, जिसने कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि BEd और DLED दोनों हैं उनके पास, BEd की डिग्री भी है और DLED की भी डिग्री उनके पास है, BEd और DLED भी है। कटअप से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा या कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन होगा, तो मैं आपके ऐसी संख्या 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है कि जिनके पास BEd और DLED दोनों किए हैं। मान लीजिए ए पर्सन है जिनके पास दोनों डिग्री है, अब मैं वो सेकंड केस भी लूँगा जिसमें सिर्फ BEd वाले को होगा, एक केस ऐसा भी लूँगा जिसमें सिर्फ DLED वाले होगा, तो किस तरह से आपको बेनिफिट होगा। एक मान लीजिए इन लोग इनके पास 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं और 87,000 मार्कशीट है, ओनली 87,000 सीट है, 87,000 समथिंग है। अब ये कैंडिडेट का मान लीजिए 1 to 5 में भी सिलेक्शन हो गया, अब पढ़ने वाला बंदा अगर यहाँ पर सेलेक्ट होता है तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, 9th से 10th में भी होगा, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि PG कर चुका है, BEd कर चुका है, इन सारे जगह ये अपना हथियार बनाएगा। मैक्सिमम चांसेस है कई ऐसे होंगे, हजारों की संख्या होंगे कि यहाँ पर चारों जगह, अब कहीं ना कहीं वो ज्वाइन करेंगे 55,000 की जॉब में, एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी 3 सीटें आपकी हक जो है मारी जाएगी। अब उन लोगों को बेनिफिट होगा ये 3 सीटें पर जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से कट ऑफ पर या DV के कारण या डेट ऑफ बर्थ के कारण DOB के कारण लास्ट टाइम TRE 1 में भी छूट गया था, TRE 2 में भी छूट गया था, उन लोगों को बेनिफिट होगा। अब दूसरा केस उठाते हैं जिसने BEd सिर्फ किया है, BEd किया है, PG किया है, स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 निकाल लिया है, उसने 6 to 8 में भी भरा, 9th से 10th में भी डाला है, 11th से 12th में भी डाला है, यहाँ पर भी वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि तीनों जगह या 2 जगह सिलेक्शन हो जाए, जो कट ऑफ को क्लियर करके ज़्यादा नंबर ला रहा है तो कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी 2 जगह सीटें आपकी खा जाएंगे। इस तरह से जो संख्या TRE 1 में भी हजारों की संख्या थी, और इस बार अनुमानतः 40 से 45 हज़ार जो है रिपीटेड आएंगे इस तरह के कैंडिडेट। आप लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की डिमांड कीजिए। सेकेंड चीज़ आप ये आप लोग को फिर से मैं मुहिम स्टार्ट कर देता हूँ। TRE 1 और TRE 2 में भी बताया था, आप जहाँ तक रीच कर सकता हूँ मैं वहाँ तक आप करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चन को पुटअप कीजिए। DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 11 से 12 रिजल्ट लाने से पहले, अभी आंसर की नहीं जारी किया गया, पहले तो ओमर सीट जारी कर दीजिए सभी लोग का, एक एक का क्लियर, किस तरह क्लियर है आपका, सब लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर कितना है, उसके बाद आपका आंसर की जारी कर दिए, उसके बाद वो मिलाएंगे, फिर कई आंसर BPSC जानबूझ कर गलती देगा, 2 से 3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी देखा गया था, इस बार भी शायद मिलेगा, तो उसको क्लियरिफिकेशन देगा, 4 से 5 दिन इसमें ले लेगा कि हाँ ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरी गलती थी, या तो सबको 1 नंबर दे दिया जाएगा या सबको 0 नंबर दे दिया जाएगा, यही केस हो सकता है, यही हुआ भी था। इससे आपको बेनिफिट होने वाला नहीं, नुकसान ही होता है कई लोगों का। आंसर की से अब जो मिलाएंगे उनका एक्चुअल आप पता चलेगा, जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसमें से कितना नंबर है, कि जो अभी लोग आप लोग बैठ के बैठे हुए हैं कि मेरे पास 75 नंबर है, तो शायद हो सकता है 75 से घट करके आपका 71 हो जाए या बढ़ करके आपका 78 भी हो सकता है। इस तरह से आपको एग्जैक्ट आप इन्फॉर्मेशन पता चलेगा मेरा कहाँ मैं कहाँ लाइक कर रहा हूँ। अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपका जो कट ऑफ डिसाइडेड होगा, पहले रिजल्ट मांगे इनका, अब 11 से 12 वाले को DV करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोग छट जाएंगे। अब जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छट जाते हैं, बाहर हो जाएंगे, उनका
जो पीडीएफ में नाम ही ना दे, ऐसे लोग होंगे हजारों की संख्या में, ऐसे हजारों को। मान लीजिए मैं एक बी कैंडिडेट है, बी का डीवी स्टेट पेपर नहीं पास है, उसने आपका अच्छा नंबर ले आया, हो सकता है ऐसा कि इसने बीपीएससी का अच्छा दिन उसका चला गया और उसने अच्छा नंबर भी ले आया, 120 नंबर में वो 90 के आसपास ले आया, जो कि कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा है, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, वो आपका यहाँ पर, लेकिन स्टेट पेपर 2 पास नहीं है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली डीवी में बाहर हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे संख्या हैं, TRE 1 में भी थे, TRE 2 में भी थे, जिनका स्टेट पेपर 1 और 2 नहीं क्लियर होने के कारण बाद में उनको बाहर किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सीटें ये यहाँ पर लेकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, लोग तुक्का मार गए, उस दिन अच्छा चला गया तो आपकी सीटें खा गए। यही सिचुएशन TRE 1 में भी हुआ था, इस बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। दोनों चीज़ के आप डिमांड कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में देखिए आपको थर्मल में दिया, रिजल्ट से पहले आप डीवी करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की डिमांड कीजिए। कट ऑफ में बदलाव होगा, चेंजेज होगा, जो इनका 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर तक कम आ रहा है उन लोग को रिजल्ट बनने की संभावना बनेगी। रिजल्ट से पहले ये सारी चीज़ें अगर होती है, बीपीएससी विभाग तक वो अपनी बातें पहुँचाइए और अपने अपने टीचर्स गुरुजनों को, जिनको जहाँ से भी आपने शिक्षा ग्रहण किया है या भी जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, जहाँ भी आप देखते हैं इन सारी चीज़ों के, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे यहाँ पर देखिए, कहीं भी एट इज लाइव ग्रोइंग इंडिया नहीं लिखा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए और जाके पेस्ट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट उठाइए पेस्ट कर दीजिए, मुझे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, आपके कोई क्वेश्चन रहता है सर तेज बोलिएगा, आई होप कि आपको वॉइस क्लियर हो पा रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा, इतना देर मैंने बोल दिया विदाउट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर मुझे क्लियर आवाज़ आ रही है, आप अपना अपना माइक चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर सभी का क्लियर आ रहा है। आपके डाउट्स या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, काफ़ी लोग का क्वेश्चन आ गया है सर, जनरल में PRT में 82 है क्या? बिल्कुल चांसेस बनेगी, 82 जितने भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर ये सारे जितने भी मैंने यहाँ पर रफ कर दिया है ये देख सकते हैं, PRT का ये रहने वाला आपका कटअप, यहाँ से 4 से 5 नंबर और डाउन जाएगी, मेल का 75 से 80 के बीच में रहेगा, फीमेल का आपका ये रहेगा 65 से लेकर के 65। इसी रीजन से मैं बता रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें 1 क्रेडिट 1 रिजल्ट और DVI अगर सही से करवा लेती है गवर्नमेंट, यानी BPSC, यहाँ ना कि BPSC का काम नहीं है, DVI करवाना बिहार शिक्षा विभाग का काम है, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग अगर करवाती है अच्छे से तो आप लोग का ज़िंदगी बहुत अच्छे से, मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा। मेनली आप लोग का मकसद होता है PDF में नाम वाला नाम आना, PDF में अगर नाम आ गया, आपकी ज़िंदगी का एक जिस बेरोजगारी को जो ठप्पा लगा हुआ है आप लोग पर, वो 1 सेकंड में घट जाता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग 5 दिन बाद करवाया, 10 दिन बाद करवाई, या फिर 15 दिन करवाई, या 1 महीने के बाद करवाया, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको अंदर ये ठप्पा लग जाता है, ए का नाम यानी AB या अभय का नाम एक अधिकारी, मतलब कि एक शिक्षक बन चुका है, चाहे PRT में हो, 6 to 8 में हो, 9 से 10 में हो। PRT में कुमारी श्वेता आपका 78 में बन जाएगा, 78 में आपका हो जाएगा, 78 BC में देख सकते हैं यहाँ पर फीमेल के लिए, 2 से 3 नंबर यहाँ पर भी चेंजेज होगा। 1 कैंडिडेट 1 कैंडिडेट के लिए अगर आते हो, 1 सीट पर 1 कैंडिडेट का आता है तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और जितनी भी TRE 1 में, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, TRE 1 और TRE 2 में जो खेला हुआ था, अगर उस तरह से होगा तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। और TRE 1 में बैक लोग अभी भी बना हुआ है, बैक लोग अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर उतने जितने शिक्षक हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उतने उसके कंपेरिजन करेंगे, उसके रेशियो में अगर देखेंगे, उतने टीचर्स अभी नहीं उपलब्ध हैं, 3 लाख से ज़्यादा और भी वैकेंसी की ज़रूरत है, 1 लाख ऑलरेडी अभी आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज में, और मैंने कई बार बताया, TRE 4 में देखने को मिलेगा, 1,60,000 की वैकेंसी मिलेगी, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। PRT में क्या कटअप रहेगा, ये अभिजीत कुमार ये देख लीजिए, PRT का आपका कटअप है, UR के लिए 75 से 80 के बीच में रहेगा आपका, आई होप कि वॉइस क्लियर जा रहा होगा। OH का PRT का क्या कटअप रहेगा, OH का मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन कर देता हूँ, जितने भी फिजिकल हैंडीकेप्ट हो या फिर जो भी आपके PH वाले जितने भी है, यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी क्लियर करते हैं, अगर आपका 45 के आसपास में रहता है प्लस माइनस 2 तो भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर फीमेल के लिए 40 के आसपास में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला प्लस माइनस 2। आपका अपना नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट, यूनिक इंडिया PGT हिंदी में 73 में चांसेज है, बिल्कुल फीमेल में चांसेज है आपका। चलिए, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा सभी, जो मैंने आपको पॉइंटर्स में बताना चाह रहा था वो बता दिया, और ये नेक्स्ट चीज़ आपको बता देना चाहूँगा,
आपका बीपीएससी TRE-4 के लिए, बीपीएससी 17th के लिए, बीपीएससी 17th के लिए कई हम जो है स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। मैंने बिहार स्पेशल स्टार्ट कर दिया, फिर से बिहार स्पेशल फिर से स्टार्ट कर दिया है। घटना चक्र और आपके आपका है स्पीडी का, हाँ बस जो आपका ये भी आपको फिर से करवाएंगे। 51 में हो जाएगा पीएच में, अभिजीत कुमार 51 में हो जाएगा कब। चलिए देख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने कल एक लेक्चर लिया था, बहुत कम हो गए पढ़ने वाले कट ऑफ के वीडियो, बहुत लोग देखने वाले हैं आई नो, बट पढ़ने में जब वो आपको जब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में या फिर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है उसमें बहुत कम लोग आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं दैट्स अ गुड थिंग, अगर आप कहीं और पढ़ते होंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। PGT ज्योग्राफी में 65 में चांसेस है, BC2 में चांसेस रहेगा रहेगा चांसेस रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ओमआर सीट कब तक आएगा? ओमआर सीट तो आपके जो चांसेस है नेक्स्ट वीक में, आपको अपकमिंग जो है मंडे के बाद, क्योंकि आज ट्यूसडे हो गया, संडे को कोई अपडेट नहीं आएगी, यानी कल के दिन में आपको मंडे से लेकर के नेक्स्ट अपकमिंग 4 से 5 दिन में आपको देखने को मिलेगा, अपकमिंग 4 से 5 दिनों में ओमआर सीट। उसके बाद आपका ठीक है 1 सप्ताह के बाद आपको एंसर की जारी कर दिया जाएगा, और थर्ड वीक में आपको मैंने लास्ट में कल वीडियो में भी चर्चा किया था, थर्ड वीक तक जो है News 18 का भी दिया गया था न्यूज़ में, थर्ड वीक यानी कि 21 अगस्त के आसपास में, 21 से लेकर के 25 अगस्त तक आपका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सितंबर में आपका TRE-4 का आ जाएगा वैकेंसी नोटिफिकेशन, और अक्टूबर तक ये फॉर्म को फिलअप भरने के लिए देंगे, लगभग 30 से 35 दिन ये देते हैं। उसके बाद आपका नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, और दिसंबर या जनवरी तक आपका नियुक्ति पत्र या रिजल्ट भी दे दिया जाएगा TRE-4 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले वो दिखाना चाहेंगे कि मैंने 80,000 के आसपास इधर दिया है वैकेंसी, 1,60,000 वो है, फिर से 2 लाख या 2.5 लाख लोगों को मैंने ये नियुक्ति पत्र दिया है, और TRE-1 और TRE-2 में ऑलरेडी उन्होंने पर्चा बना लिया था और उनके बेसिस पर उन्होंने वोट भी ले लिया है। BC मेल मैथमेटिक्स में 99 है चांस, बिल्कुल चांस बनता है, बिल्कुल बनता है। PGT हिस्ट्री में फीमेल का कटअप क्या रहेगा? देखिए मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको SST के लिए जितने भी लोग हैं, सॉरी PGT वाले, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 9 से 10th का। अब कई लोग बोलेंगे सर आपका कट ऑफ कम है ज़्यादा है बेसिस से, देखिए आप जो भी मेरे पास से, क्योंकि TRE-1 और TRE-2 का जो मेरे पास अनुभव है उसी के बेसिस पर बता रहे हैं, और आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पर। कई टीचर्स हैं 105 कट ऑफ बता रहे हैं, 120 में से 110 बता रहे हैं कट ऑफ, आई डोंट नो हाउ, वो कभी एग्जामिनेशन में बैठे नहीं, कई एग्जामिनेशन का पेपर देखे नहीं, और एग्जामिनेशन का जो सिचुएशंस होता है लोग गलती जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो कि प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना नॉट पॉसिबल, ये आपको आते हुए क्वेश्चन 2 से 4 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोगों का गलत होता है, टॉपर भी होता है, आइंस्टीन भी होता है, तो उन लोगों को भी ऐसे 2 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, लोग उसके लिए कॉल कर रहे हैं सर एक सर हैं जो कि 110 कटअप बता रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि 10 ही, मतलब कि 110 से ऊपर वाले का ही होगा सिलेक्शन, से इसके नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं मैथ्स का साइंस का, जो कि संभव नहीं है। अंकित वासुदेव म्यूजिक में आपका 80 में EWS में हो जाएगा। नेक्स्ट TGT में आपका है 9 से 10th में 63 में, SC कैटेगरी में चांसेज है। चलिए यहाँ पर एक बार मेंशन कर देता हूँ, 62 जितने भी PGT वाले हैं यानी कि 11th से 12th वाले, देखिए UR के लिए जो मेरे अनुसार होगा, UR के लिए आप अगर आपका 80 से लेकर के 85 के बीच में है, मेल के लिए 80 से 85 के बीच में रहेगा, और फीमेल के लिए 10 नंबर कम रहता है, 72 से लेकर के 70, मैं 8 नंबर कम रखा हूँ, और 76 के आसपास रहेगा फीमेल के लिए। इससे EWS का 10 नंबर का डाउन रहता है, 70 से लेकर के 75 के बीच में रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, ये 2 से 3 नंबर यहाँ पर वेरी करेगा उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपका EWS का 60 से लेकर के 62 से लेकर के 66 के बीच में रहने वाले। इसी तरह से EBC का सेम रहता है, और आपका BC का 1-2 नंबर ज़्यादा रहता है, यहाँ पर 77 तक रहेगा, और यहाँ पर आपका 64 से लेकर के 68 के बीच में रहेगा BC और SC का, यहाँ पर फिर यहाँ पर से इससे डाउन करके 10 नंबर कम रहेगा। BPSC पूरी सीट पर रिजल्ट देगी ऐसा संभावना नहीं है, TRE-1 में भी नहीं दिया था, और अंकित इस बार भी संभावना नहीं है, अगर अब आपको पूरी सीट पर रिजल्ट देती है, नाम क्या होगा, अंकित ही मान लीजिए, आप ही का नाम लेता हूँ एग्जांपल में, आप ही का आपने सिर्फ म्यूजिक से दिया होगा तो आपको नहीं होगा, शायद अलग अलग जगह,
लेकिन अंकित मान लीजिए आपने कोई एक कॉमन सब्जेक्ट है आपका, साइंस ले लीजिए, साइंस सब्जेक्ट का या मैथ सब्जेक्ट है जो कि आपने 9 से 10th में भी दिया, 6 to 8 में भी दिया है, और आपका एक स्पेशलाइजेशन आपका 11 से 12th में भी है मैथ्स के लिए, तो आपका रिजल्ट तीनों जगह हो गया, अंकित का यहाँ भी रिजल्ट हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे और आपका नाम तीनों PDF में नाम शो करेगा, 6 to 8 में भी, 9 से 10th में, 11 से 12th में। अगर आपने खुदा ना खास्ते आपने DL भी DLED भी कर रखा है तो शायद आपका नाम PRT में भी शो करेगा, और ऐसी संख्या 1 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है। और कॉमन अगर नहीं भी है तो 3 से 4 जगह आपका रिजल्ट होता है, एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी 3 जगह लोगों का जो है सीट खा जाएंगे आप, इस तरह से आती है हर बार। और इसीलिए आप लोग मुहिम उठाइए और अपनी बातें रखिए, BPSC के अधिकारी वहाँ तक अपनी बातें रखिए, शिक्षा विभाग को ये संज्ञान होना चाहिए, सरकार को संज्ञान होना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली में स्टूडेंट क्या चाहती है, स्टूडेंट क्या चाहती है, बिहार की जनता क्या चाहती है, क्योंकि ये इस बार फोकस करना चाहती थी, इसीलिए 75% रिजर्वेशन आया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था पूरी तरह से। अब 50% रिजर्वेशन पर ही रिजल्ट आएगा, 50% पर ही रिजर्वेशन आएगा, और अदर स्टूडेंट के यानी अदर बिहार के जो बाहर के हैं उन लोगों को बेनिफिट होगा। TRE 1 में भी बेनिफिट हुआ तो TRE 2 में भी और TRE 3 में भी बेनिफिट होने वाली है। जनरल में PRT में बन जाएगा राकेश मिश्रा, 87 में आपको हो जाएगा, TGT में आपका, DC में 80 है बिल्कुल हो जाएगा, फीमेल कृष्ण कुमार, राजेश मिश्रा जनरल में 87 मैंने बता दिया आपका हो जाएगा, PRT में, BC में, फीमेल में 60 में चांसेज है, देख लीजिए आपका PRT का यहाँ पर है, ये आपका PRT का, ये आपका है UR के लिए 78 से लेकर KT के बीच में, आपका फीमेल के लिए 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा, EWS का 65 से लेकर के 70 के बीच में, आपका 55 से 60 के बीच में रहने वाली है, और EBC का आपका 62 से 65, और ये आपका फीमेल के लिए 52 से 76 के बीच में रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपका ये BC के रहेगा, और ये आपका SC और ये ST आपका, ये फीमेल के लिए आपका रहेगा। नेक्स्ट है सर, अगर पूरी सीट पर रिजल्ट नहीं आया तो 80 पर नंबर सेफ नहीं है। म्यूजिक के लिए लग गया आपका म्यूजिक, सॉरी आपका सब्जेक्ट बता दीजिएगा कौन सा है, आपका नाम है अंकित वासुदेव म्यूजिक, एक बार सब्जेक्ट बता दीजिएगा। PGT संस्कृत में 70 होगा, PGT जूलॉजी में फीमेल के लिए, BC के लिए आप अपना नंबर बता दीजिएगा, मैंने PGT के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये आपका रहेगा, ये आपका BC कैंडिडेट का रहेगा, BC का, EVC BC का, इसमें से आपका 2 नंबर ज़्यादा रहेगा, 66 से लेकर के 72 के बीच में रहेगा फीमेल के लिए। तो PRT में 80 नंबर सेफ है, बिल्कुल सेफ है आपका, यहाँ मैंने बताया यहाँ पर और डाउन होगा, 3 से 4 नंबर UR कैटेगरी का डाउन होगा, 3 से 4 नंबर डाउन होगा UR कैंडिडेट के लिए। अब फीमेल जितने भी EBC BC ST ये 15% इन लोगों का जो डाउन हो रहा है, यानी कि जो आरक्षण खत्म हुआ है उनके एजेस में जो खारिज किया गया है, इनके कारण इनका 1 से 2 नंबर इनका बढ़ेगा, कट ऑफ जो बढ़ेगा। PGT में 85 मार्क्स है, बिजनेस स्टडी में चांसेस बनता है मनीष, और मार्कशीट नेक्स्ट वीक आएगा अभिजीत। उर्दू में BC2 का कट ऑफ, उर्दू का आप PRT के लिए आप पूछना चाह रहे हैं तो PRT के यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आप अपना नंबर बताइएगा। अंकित वासुदेव आपका है E59 नंबर, 59 है EWS में, PRT के लिए, PRT में हो जाएगा चांसेस है, यहाँ पर देख सकते हैं EWS में आपका 55 से लेकर के 60 के बीच में है, तो आपका कट ऑफ से ज़्यादा जा रहा है, सेफ मार्क्स के आपका जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, सुरुचि 9 से 10th में आपका 66 नंबर है, SST में कोई चांस बिल्कुल, SST में EWS में भी UR फीमेल देख लीजिए आपका 9 से 10th में ही आपका रहेगा SST के लिए, SST का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा आपका 9 से 10th में, आपको 70 से 75 के बीच में आपका फीमेल के लिए रहेगा, 70 से 75, 4 से 5 नंबर कम है, लेकिन हो सकता है आपका आंसर की आए, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 3 से 4 नंबर आपका बढ़ जाए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, प्रयास जारी रखिएगा। SC में आपका फीम बिहार में, TGT में आपका 9 से, TGT में सब्जेक्ट बताइएगा आपका, गाय
पीआरटी उर्दू में आपका कट ऑफ 65 में हो जाएगा। चलिए जितने लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग अभी कई लोग हार्ट भेज रहे हैं, अपना स्माइलिंग फेस दे सकते हैं। इफ़ यू आर लाइक, इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन डिसलाइक दिस। अगर नहीं अच्छा लग रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। रिजल्ट कब आएगी? मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, 3rd वीक ऑफ अगस्त, यानी कि 21 से लेकर 20 से 25 अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर देखिए बताया था आपको। उससे पहले आप लोग डिमांड कीजिएगा जब भी, क्योंकि क्लियरेंस होना ज़रूरी है। रिजल्ट आने से पहले आपको DV करवाइए और 11 से 12th का करवाइए, उसके बाद आपका 9 से 10, फिर आपका 6 to 8, फिर 1 to 5, क्योंकि उसमें बहुत सारे फिल्टर हो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्टराइजेशन उसमें बहुत तगड़ा होगा, और हज़ारों की संख्या में आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कई ऐसे हैं जो कि सीटेट फेल हैं और आज भी ज्वाइन किए हुए हैं TRE1 में, आज भी वो ज्वाइन किए हुए हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं, वो सैलरी उठा रहे हैं, उन जॉब कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब कब उन पर गाज गिरेगी, कब उन पर वेरिफिकेशन आएगा, आई डोंट नो। और वो भी नहीं जानते हैं, वो डरे सहमे किसी तरह से अपने जॉब कर रहे हैं, और कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, कर रही भी है। कई ऐसे महिलाएं हैं, कई ऐसे जो टीचर्स हैं, पड़ोस हैं, जो कि अभी सीटेट पास नहीं है, वो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। PRT में हुआ है ऐसा, 6 to 8 में भी, स्टार्टिंग TRE1 में हुआ है। अमिता कुमारी PGT में, हिस्ट्री में 78 में, EWS में हो जाएगा, हो जाएगा। SC में, बिहार में, TGT में, मैथ्स में 60, मैथ्स में आपका देख लीजिए यहाँ पर कटअप है, ये आपको मैथ्स का आपको सामने दिख रहा होगा, ये 9 से 10th का, ये आपका TGT का, और ये आपका रहेगा EWS में 62 से लेकर के 66 में आपका नंबर बन रहा है, 63 तो बाउंड्री में है, चांसेस बनता है आपका, सेफ नंबर नहीं है बट आपका चांसेस है। सर प्लीज़ बताइएगा PGT संस्कृत में फीमेल UR में 70 में कोई चांसेस है? संदीप कुमार, SC कैटेगरी के लिए, अच्छा आप SC कैटेगरी के लिए आप, आपका यहाँ पर रहेगा, SC में आप सेफ हैं, SC कैटेगरी में आपका सेफ है, EWS में मैंने समझ लिया था, EWS में आपका यहाँ रहेगा, ये आपका फीमेल का है, ठीक है। 72 आ रहा है सर PGT में जूलॉजी, उम्मीद है रखें कि TRE4 के लिए लग जाए, पिछले बार 82 गया था। देखिए आप ये क्वेश्चन अच्छा किया आपने पूछ लिया, मैं आपको सजेस्ट करूँगा चाहे आपका नंबर 100 ही क्यों ना आए फिर भी पढ़ाई करते रहे, मैं मेरे तरफ से ये हमेशा सजेशन रहता है। ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार अभी तुरंत एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, कुछ दिन रिजल्ट भी नहीं आया, फिर से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है, और ये कब काम आ जाएगा आपके लाइफ में खुद आपको भी नहीं पता, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए काम आ जाए वो पढ़ाई, वो नॉलेज, वो कॉन्सेप्ट, हो सकता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, या फिर कोई भी हिस्ट्री का एक कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी स्टोरी आपने सीखा होगा, कोई भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपने रिसेंटली आपने मराठा कंप्लीट किया है, पंजाब किया है, रंजीत किया है, या फिर सिख धर्म किया है कंप्लीट, बौद्ध ही आपका बौद्ध बौद्ध धर्म कंप्लीट किया है, हो सकता है आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, आपने कोई भी टॉपिक है कंप्लीट किया हो, वो कहीं भी काम आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा चाहे आपका 100 नंबर है कि ना आए आप पढ़ते रहें, तो उसी तरह आपको शायद जवाब मिल गया हो जो अभी पूछ रहे थे। 72 नंबर आया था लास्ट टाइम, 82 कटअप गया था। अंतिमा सौरभ, आप सभी लोग के लिए सेम जवाब है, चाहे आपका नंबर कट ऑफ से 100 नंबर ही क्यों ना ज़्यादा हो, 10 नंबर ज़्यादा हो, 20 नंबर के ज़्यादा हो, मैं आपको सोने के लिए नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा कि आप सो जाएं, क्योंकि आपका जो काम है एक तरह से एक आर्मी वाले एक फोर्स जैसा काम है, हमेशा सजग रहना, हमेशा सचेत रहना और हमेशा जागृत रहना, हमेशा चाहे सोए हुए अवस्था है क्यों ना, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का आप मास्टर बनने जा रहे हैं, वो आपके दिन में और दिमाग में आपका छाए रहना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको होना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप लग जाइए हमेशा के लिए। उम्मीद की है कि नहीं, 72 मार्क्स में उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन आप स्टडी करते रहिएगा, पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि TRE4 में ज़्यादा समय आप लोग को नहीं मिलेगा, सितंबर में आपका एग्जामिनेशन है TRE4 के लिए। PGT संस्कृत में 75 में चांसेस है। सालू झा PGT में, सोशल साइंस में EWS में 60, सोशियोलॉजी में आपका 60 में थोड़ा कम चांसेस है, EWS में फीमेल है। TGT में मैथ्स में 98 है, दैट्स अ गुड नंबर। विवेक सिंह यादव, आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप तैयारी करते रहिएगा, अपने जो भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, चाहे ट्रिगोमेट्री हो आपका, अर्थमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट है उसकी एक अपर लेवल पर हो जाइए, एक जो होता है ना जिसका कोई विकल्प ना हो, अगर आप विवेक अगर खड़ा हो जाता है कहीं भी पढ़ाने के लिए,
तो उसका कोई ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, जिसको टिप ऑफ द टंग भी होना चाहिए और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस मज़ेदार के साथ आप पढ़ाएं जो बच्चों को समझ आए, जाते ही लगेगा हाँ विवेक। अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर इसने ज्वाइन किया या पटना ज्वाइन किया, जब यहाँ से ट्रांसफ़र हुई इनका कहीं भी या इनके घर के पास में मुजफ्फरपुर से वो दरभंगा गया, तो वहाँ के बच्चे वहाँ को याद करें, वहाँ के जो गार्जियन हैं उसको लगे कि हाँ कुछ चीज़ों को मैं खोने जा रहा हूँ या खोने जा रही हूँ। सर BPSC TGT में हिंदी में EWS में T1 में बन जाएगा माँ शारदा, हिंदी का ये कट ऑफ देख लीजिए। काफ़ी चीज़ यहाँ पर मैंने खोज पोच कर दिया, हटा देता हूँ मैं, ये हिंदी का कट ऑफ आपका रहने वाला है, ये आपका मेल का है यहाँ पर, ये आपका फीमेल का, ये आपका EWS का है, ये आपका EBC का है, ये DC का है, CST का है, देख लीजिए। PGT ज्योग्राफी में EBC में 64 में चांसेज है विवेक बाबू। नेक्स्ट है संदीप सर PGT संस्कृत में, बिल्कुल चांसेस है संदीप। सालू झा 60 सोशोलॉजी, सोशोलॉजी में आपको थोड़ा आपका बाउंड्री में है, चांसेस कम है। सर अगर पूरी सीट पर रिजल्ट आए तो ही 80 नंबर EWS में PRT में सेफ है, बिल्कुल। देखिए EWS का PRT का अलग सीन है, PRT में आप BEd वाले नहीं जा सकते हैं, BEd वाले आप नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको DLED वाले से ही फाइट करना है, तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन कम गया है एज कम्पेयर टू देखेंगे तो। और तो वहाँ पर आपको सिर्फ फाइट करना है DLED वालों से ही और BTC जो क्लियर हैं उन लोगों से ही, और UR कैटेगरी का यही रहने वाला है आपका, UR कैटेगरी का अगर आप देखेंगे इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। लास्ट टाइम भी देखेंगे, मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ TRE1 और TRE2 का क्या गया था, मैं आपको यहाँ पर देख सकती हूँ। TRE1 में 1,70,000 वैकेंसी आई थी, जिसमें से 70,000 से PRT का वैकेंसी था, PRT का, और उसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं आने के कारण और कई चीज़ें इंटरनली धांधली होने के बाद यहाँ कटअप गया था 67, और ये आपका फीमेल का था, EWS का 56, हम लोग बता रहे थे 5-6 नंबर कम, लेकिन ये ज़्यादा गया था। ये आपका ई फीमेल का है EBC, और ये आपका देख सकते हैं BC का, इस तरह से कटअप गया था। EBC हमेशा BC जो है 4-5 नंबर ज़्यादा रहता है SC, और का ये मेल का है फीमेल का, और लास्ट टाइम और TRE2 में सिर्फ इतनी सीट रखी गई थी, जनरल रखा गया था, मेल और फीमेल का सेम आया था कटअप, ये सारे फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों का सीट मारा गया था, हक मारी गई थी सिंपल भाषा में कहे तो। इस बार कटअप इस तरह से रहेगा, मैंने यहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा नहीं जाएगी इससे ज़्यादा, हालांकि इस बार सीटों की संख्या 22,000 के आसपास है, सीटों की संख्या अगर देखेंगे तो सॉरी 28,026 सीटों की संख्या है। सर मेरा बताइएगा PGT में आपका PGT में 86 में मैथ्स में चांसेज है। नवीन सर देखिए नाम भी ले रहे हैं कई लोग, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आई डू रेस्पेक्ट टू एवरी वन, जो उन्होंने मेहनत किया उनके तरफ से जो भी नॉलेज होगा शायद वो सही बोल रहे हैं, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, आने वाले रिजल्ट में आपको 1-2 वीक के बाद पता चल ही जाएगा, 2-3 वीक के बाद पता चल जाएगा। 92 नंबर में डर लग रहा है, डरने की बात नहीं, अगर डर ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा डर लग रहा है तो अच्छी बात है, डर के आगे वो हमेशा कही जाती है ना, डर के आगे जीत नहीं होती, बल्कि आपकी एक कमियाँ पता चलता होगा कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो टॉपिक को क्लियर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। TRE4 आपके सर पर ही है, TRE4 दूर नहीं है, फिर उसके बाद शायद TRE5 दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई चुनाव नहीं है, सिंपल भाषा में कहें तो चुनाव नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है कि आपका अगले साल होगा, अगर होता भी है तो कितनी सीट आएगी, 1,60,000, इतनी वैकेंसी तो नहीं देखने को मिलेगा। इस बार TRE2 से ज़्यादा रहेगा कि नहीं, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि TRE2 में उतनी सीटों की संख्या नहीं थी और वो जितना नंबर दिखाया गया था उतना सीट भी नहीं था, काफ़ी चीज़ें PRT और सभी चीज़ें में बहुत इंटरनली हुआ था, जो कि अतुल प्रसाद जी के इंटरनली उन्होंने दबाने की कोशिश किया था, और इस बार उजागर हो ही गया, पेपर लीक पूरी तरह से हुई है, और इस बार कहीं भी कोई पेपर न्यूज़ में नहीं आई है, लेकिन इंटरनली क्या होती है क्या नहीं होगा वो आप लोग को रिजल्ट में पता चलेगा, सॉरी वो आप लोग को रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चलेगा, इसलिए आंसर की थोड़ा डिले आ रहा है। आंसर की आपको रिजल्ट आते ही आप लोग अपने आसपास का आपका जो रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर आपका है 10 39 72, 6 डिजिट का होता है ये आपका रोल नंबर है, तो आसपास का 10 आगे 10 पीछे जरूर अपना नोट करके रखिएगा, मतलब एटलीस्ट देखिएगा कि क्या है उसका सीन क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम एक पश्चिम चंपारण में TRE1 में 1 से लेकर के
101 से लेकर के 102 105 लगातार जो जो प्रेजेंट हुआ था सभी का रिजल्ट हो गया था। हाउ इज इट पॉसिबल, अभी मैंने उसका वीडियो बनाया तो उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। सर पीजीटी में कंप्यूटर साइंस में एससी कैटेगरी में कितना कैटेगरी, एससी कैटेगरी में आपका कम रहेगा, आप अपना नंबर बताइएगा, मैंने यहाँ पर मैंसन नहीं किया अभी इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आंसर की कब आएगा, नेक्स्ट उसके नेक्स्ट वीक में, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। चलिए सभी लोग को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आप लोग एक काम, आप लोग का काम है ये, आप लोग को बेनिफिट होगा, ये स्क्रीनशॉट उठा करके सभी जगह लगा दीजिए, सभी जगह आप या फिर जहाँ भी आप वीडियो जो देखते हैं, जहाँ भी आप जिसमें कोचिंग आप स्टडी करते हैं जी, आप जिनको भी मानते हैं उनको बोलिए सर इसके लिए आप आवाज़ उठाइए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की डिमांड कीजिए, और रिजल्ट आने से पहले, आंसर की आने के बाद, रिजल्ट आने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जिन लोग का भी है, या सेकेंड डिग्री करवाने के बाद स्कूल में भेजिए, बहुत बेनिफिट होगा आप लोग का। हजारों की संख्या में है ऐसे जिनके घर में दिए जल जाएंगे, उनके घर में खुशियाँ आ जाएगी, ऐसे मैं बोल रहा हूँ साफ शब्दों में, उनके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, अदरवाइज शायद फिर TRE1 की तरह कई ऐसे हैं, आज भी नाम उनका याद है जो लगातार कॉल कर करके परेशान किए हुए थे, सर मेरा 56 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, AWS में मेरा होगा कि नहीं होगा, 55 नंबर आ रहा है होगा कि नहीं होगा, 56 देखिए कटअप भी गया था और आज उनका नाम अभी तक नहीं आया है, 56 AWS में कटअप गया था, DOB के कारण उनका नाम नहीं आया, DOB के डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका नाम नहीं आया, और वो TRE2 भी दिए उनका नाम नहीं आया, TRE3 के लिए वो फाइट कर रहे हैं, शायद भगवान ना करे, मैं चाहूँगा उनका नाम इस बार नाम आ जाए PDF में और वो सिलेक्शन हो जाए, मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा, आप सब लोग के लिए शुभकामना कहूँगा। चलिए नेक्स्ट है PGT कंप्यूटर साइंस में आपका फॉर्म फिलअप, अच्छा टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 300 एंड टोटल सीट है 143, 51 आ रहा है चांस हो जाए, 51 में आपका देखिए अप्रोक्स में सीट है, मतलब आपका कंपटीशन लगभग दो गुना है आसपास में, आप खुद देख रहे हैं, एससी कैटेगरी में अगर आपका है तो चांसेस बनता है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका जो है उससे ज़्यादा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा है, 39 होना चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और आपका है 51, तो आपका ऑलमोस्ट 12-13 नंबर ज़्यादा है, तो आपका चांसेज बनता है वहाँ पर। चलिए PGT हिस्ट्री में 75 में चांसेज बनता है ज्योति झा। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उन सभी जगह शेयर कीजिएगा जहाँ पर आपकी बातें बिहार सरकार तक पहुँच सके, या फिर खुद आप स्क्रीनशॉट उठाइए और इसको आप शेयर करते जाइएगा, इसको मेरे लिए नहीं है आपके लिए, सर बताइए प्लीज़ ज्योति झा, मैंने आपको बता दिया, आपको 10 सेकंड के बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, 10 सेकंड का डिफरेंस रहता है जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, प्लीज़ मेरा बता दीजिएगा OBC में बिहार में 68 में कितना बन रहा है आपका, सोनिया रुपेश TGT में 98 में मैथ साइंस में आप श्योर रहिए आपको हो जाएगा। सर PRT में अदर स्टेट फीमेल का कितना में सेफ रहेगा, देखिए सेफ आपका रहेगा मैं बताना चाहूँगा, ऑलमोस्ट आपका अगर आप सेफ की बात करेंगे तो 70+ अगर आपका फीमेल का आ रहा है तो आप सेफ मानिएगा, अगर आप मेल में हैं तो मेल में 80 बताएगा लेकिन 3 से 4 नंबर कम है, मेल में 80+ है आपका तो आप सेफ मानिएगा अपने आप को PRT के लिए। अंकिता तिवारी सर प्लीज़ बताइएगा PRT में अदर स्टेट का कितना सेफ है, मैंने बता दिया आपको, चलिए आई होप कि सभी लोग का जवाब मिल पाया होगा, स्टडी कीजिए, जितना टॉपिक्स आपका बचा हुआ है फिर से क्लियर कीजिए, और वन सीट वन रिजल्ट के लिए एट द एंड में फिर से बताना चाहूँगा, बार बार बताना चाहूँगा, आप लोग को बेनिफिट होगा इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं, ऑलरेडी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, ऑलरेडी मैं स्टेबल हूँ, जो भी मेरे पास समय मिलता है आप लोग के हेल्प के लिए मैं आ जाता हूँ और आता रहूँगा। सर मेरा 67 है फीमेल में बिहार, सॉरी मैं आपका एक बार देख लेता हूँ, 67 है फीमेल में OBC में किस सब्जेक्ट के लिए, कुमारी सोनिया एक बार फिर से बताइएगा कौन सा PRT के लिए पूछ रहे हैं, 68 9th से 10th किसके लिए पूछ रहे हैं बताइएगा, PGT हिस्ट्री में क्या लगता है आपका, UR में है तो चांसेस बनता है PGT में, हालांकि कट ऑफ लास्ट टाइम आप देख लीजिएगा एक बार हिस्ट्री, एक बार उठा लीजिएगा इसका। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड हम नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आप लोग के लिए, आप लोग के लिए लाएंगे
हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री एक बार सॉरी बिहार जीके के लिए आपको करेंगे उसका करंट अफेयर्स, घटना चक्र का मैंने ऑलरेडी इसका कंप्लीट कराया है, तो फिर से एक बार करवाएंगे, डोंट वरी, फिर से एक बार हम करवाएंगे। और साथ ही साथ जितना हो सकता है आपको साइंस का, जीएस का जितना भी सब्जेक्ट है, आप प्लेलिस्ट जाकर के देखिए, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने जितना हो सकता है वन मैन आर्मी की तरह मैंने आपको हेल्प किया है, और आप उसका हेल्प ले सकते हैं। जिनको कनेक्ट हो पा रहा है वो आप दे सकते हैं, और जहाँ से जिस भी टीचर से आप समझ पाते हैं जो भी सब्जेक्ट, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, मेरा ये सजेशन है। अब चाहे मेरा हो जो भी सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी को मेरे से साइंस अच्छा समझ आ रहा है, साइंस अच्छे से समझ रहा है, जनरल स्टडी का साइंस आपको बायोलॉजी में अच्छा से समझा पा रहा हूँ, या फिजिक्स आपको अच्छा से समझा पा रहा हूँ, या केमिस्ट्री, तो सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के 3 से 4, 10 या 50 जितने भी लेक्चर होते हैं, पूरा लेक्चर 50 से 60 लेक्चर या फिर 100 लेक्चर जितने भी लेक्चर होते हैं, इतने घंटे एक ही आदमी का देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, उसके बाद MCQ मॉक टेस्ट होता है, आप जिस भी बुक का उठाना चाहें, किरण का हो, प्लेटफॉर्म का हो, अरिहंत का हो, किसी का, स्पार्क का हो, 10-20 टेस्ट लगा लीजिए, हर एक से लगा लीजिए, अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग, क्योंकि किरण का जो है लेवल थोड़ा लो रहता है, प्लेटफॉर्म थोड़ा अप टू हाई रहता है, और लेवल किसी को छूने नहीं लगता है। घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर है वो आपको एक आईना देगा, PYQ, बस ये आपको करते रहिएगा। 75 समथिंग है PRT में, हो जाएगा, हाँ चांसेस है, हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, 75 में पूरी तरह से हो जाएगा। कुछ होने वाला है क्या? कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। SC से हूँ, PRT में 60 बनता है, सरोज कुमार राम, हो जाएगा आपका, मिठाई बांट दीजिए, चांसेस है आपका, पूरी तरह से आपका हो जाएगा। बस वन सीट वन रिजल्ट की आप डिमांड कीजिए आप लोग, और अपनी मांगे रखिए, चाहे जिस भी माध्यम से, ट्विटर माध्यम से, मेरा जो ट्विटर हैंडल है ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा फेसबुक ये सब चीज़ हम चलाते नहीं हैं, मेरे पास उतना समय नहीं है, तो वो सब है लिंक पड़ा हुआ, लेकिन आप ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और ट्विटर अगर आपको जो भी ट्वीट करते हैं उसको रीट्वीट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेन चीज़ है आपको एक व्हाट्सअप और टेलीग्राम, ये दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए, बस ये दोनों चीज़ें आप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। महेश मंडल पूछ रहे हैं, प्लीज सर क्या है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, महेश मंडल आपका क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। 6 to 8 में आपका, 67 में SST में आपका, OBC में है, देखिए 6 to 8 में आपका, यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर है 6 to 8 का ही यहाँ पर आपका रहेगा, SST के लिए यहाँ पर है, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, ये मेल का रहेगा, ये फीमेल का रहेगा, ये AWS में, इसमें एक दो नंबर डाउन होगा आपका UR के लिए, ABC का ये है, BC का और SC ST का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुमारी सोनिया सर बिहार से हूँ और BC 2 में हूँ, ओके कुमार सोनिया का क्वेश्चन क्या है, 67 में SST में आपका चांसेज है, SST देख लीजिए यहाँ पर 66 ये आपका रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद बना हुआ रहेगा हमेशा, मिठाई जरूर आप खिलाइए अपने घर परिवार, अपने जितने भी गुरुजन हैं या माता पिता को खिला दीजिए, समझ जाऊंगा मैं भी, खा जाऊंगा। चलिए उर्दू के लिए हैंडीकैप्ट में OH में 78 में डेफिनेटली आपका हो जाएगा, 78 डेफिनेटली हो जाएगा, 6 to 8 में 80 बन रहा है, साइंस में मैथ साइंस में हो जाएगा, संजीत कुमार ये आपका रहेगा EWS के लिए, 9th से 10th में 90 बहुत बढ़िया, दोनों जगह आपका होगा, देखिए संजीत भी अभी दोनों जगह इनका सिलेक्शन होगा, ये कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, संजीत 6 to 8 में भी होगा और 9th से 10th में होगा, इसलिए मैं कहता हूँ आपको DV पहले करवाइए, पहले 11th से 12th का करवाइए, PGT का करवाइए, सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का, उसके बाद जो बचता है उसका 9th से 10th का करवाइए, और इनका DV जो है डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिया जाए, ऐसा बिहार शिक्षा विभाग ऑलरेडी कर चुकी है,
2020 और 21 में आप लोग जो है अदर स्टेट वाले नहीं पता होगा, जो बिहार के रहने वाले हैं और वो लोग जानते होंगे जो मार्क्स के बेसिस पर जो हुआ करता था, 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ है और उससे पहले भी हुआ करती थी। मार्क्स के बेसिस पर लोग एक जगह से लोग भाग भाग करके लोग ज्वाइन करते थे। टोटल 38 जिले में 1000 से ज़्यादा फॉर्म भरते थे, 100-100 जगह फॉर्म भर रहे थे और लोग बारिश में जा जा करके डीवी करवाना, कहीं एक जगह जहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता था आसपास में, वहाँ पर ओरिजिनल रख लिया जाता था, ओरिजिनल रख लेते थे और ताकि वो दूसरे जगह कहीं भी ज्वाइन ना करें। ओरिजिनल या तो उनका सीटेट का मार्क्स रख लिया जाता था या फिर आपका एस्टेट का, खास के लिए जो आपका है पात्रता परीक्षा, जैसे कि आपने एस्टेट आपने दिया है, बीएड दिया है या फिर बीटीसी दिया है, ये आपका मार्क्स जो है ओरिजिनल रख लेते थे वो लोग, या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट का। सर प्लीज बताइएगा। बहुत क्या है, कुमार चौनिया से चांसेज है आपका नेक्स्ट मैथ में आपका, संजीत मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अदर स्टेट की फीमेल के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, मैंने आपको बताया है अदर स्टेट की फीमेल के लिए ये रहेगा आपका, अदर स्टेट फीमेल के लिए आपका ये रहेगा पीआरटी के लिए। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, ये आपका रहेगा मैथ और साइंस के लिए, ये हिंदी के लिए रहेगा और ये आपका संस्कृत के लिए रहेगा। महेश मंडल 628 में आपका मैथ और साइंस में 72 बन रहा है, ईवीसी में चांसेस है मैथ और साइंस में, देखिए ईवीसी में आपका ये आपका रहने वाला है, 72 में चांसेस है। टीजीटी एसएसटी में ईबीसी में 78 है, यानी चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है, ईबीसी में चांसेस है। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई डोंट थिंक कि सिर्फ कट ऑफ से रिलेटेड आपको जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, हो सकता है क्योंकि TRE1 और TRE1 का जो अनुभव है, TRE1 और TRE2 का सेम कट ऑफ आने के बाद भी, मान लीजिए 72 गया है और आपका DOB के कारण शायद नहीं आया आपका PDF में नाम, मैं तो चाहता हूँ आपका सभी लोग का नाम आ जाए, DOB के कारण नहीं आया, या फिर अल्फ़ाबेटिकली ABCD जो आपका नाम है इसके बेसिस पर लोगों का नाम नहीं आता, जिनका लास्ट में नाम है, भी से नाम है या और भी नाम है, ए वाले को फ़ायदा होगा, बी वाले को फ़ायदा हो, सी से फ़ायदा हो, यहाँ से नाम कट जाए, ये भी होता है, ये भी हुआ है और ये भी होगा इस बार भी। उर्दू EBC में 62 में बनता है राजा अंसारी, चांसेस है। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई डोंट थिंक आपके पास इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ कट ऑफ से रिलेटेड मत, मेरा टॉपिक था जो मेन टॉपिक था आप लोगों को बताने के लिए कि रिजल्ट से पहले आप लोग DB की मांग कीजिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की डिमांड कीजिए, आप लोग को फ़ायदा होगा। लगभग 40,000 ऐसे होंगे, 40 से 45,000, मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ, 40 से 50 ऐसे घर होंगे, ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में खुशियाँ आ जाएगी। अदरवाइज आप लोग फिर डिमांड कीजिएगा और रिजल्ट आने के बाद, आंसर की आने के बाद आप लोग को भली बात ही पता है कि कोई भी चेंजेस नहीं करती है BPSC, आप वहाँ पर ऑफिस जाते रहेंगे, कोई भी मिलेगा नहीं, और फिर छात्र नेता उसका बनेगा, कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, कोई एक लीडर आएगा और इसको फिर गंदगी में कचरे में डाल के छोड़ देगा, बस और कुछ नहीं होगा इसके अलावा। एक कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, RJD JDU को बदनामी करेगा, JDU RJD को, BJP उसको करेगा, बस यही होता रहेगा, खेल होगा, एक नेता मतलब एक राजनीतिकरण हो जाएगा, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए अभी आप डिमांड करिए, अभी आपका लोहा गर्म है, अभी आंसर की नहीं आया है, ओ मार्कशीट भी अभी नहीं आया है, आप लोग अपनी आवाज़ें उठा करके सोशल मीडिया